मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। राशिफल का वीडियो आप देखना शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का पूजा का सामग्री खरीदना चाहते हैं या फिर वास्तु दोष को मिटाने वाले कुछ सामान खरीदना चाहते हैं या धार्मिक पुस्तकें किसी भी प्रकार की अच्छी क्वालिटी का खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का ये सभी चीज़ें मिल जाएगा जिसे मैंने अपने खुद के अनुभव से परखा है, तो एक बार निश्चित तौर पर ट्राई करें। आइए अब देखते हैं आज का राशिफल। ये राशिफल है मंगलवार 25 जून 2019 का। अगर हिंदी कैलेंडर यानी कि अपने पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि आज पूरे दिन रहने वाला है। नक्षत्र राज रहेगा उत्तर भाद्रपदा, यह भी पूरे दिन रहेगा। व्रत त्यौहार में आज है शीतलाष्टमी, साथ ही कालाष्टमी भी आज है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हम जानेंगे कुल 12 राशियों का आज का राशिफल, साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय अशुभ समय, दिशाशूल शुभ खाद्य भाग्यवर्धक उपाय, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए शुभ रहेगा तथा राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए आज शुभ रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण राशिफल का लाभ उठावें। जिन मित्रों को भी अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है वे हमें कमेंट बॉक्स में ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरण लिख के दें, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म का स्थान, अपने जन्म का समय और अपने जन्म की तिथि, जिसे देखकर हम आपकी कुंडली को देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी सही राशि क्या है, ताकि आप अपना सटीक राशिफल रोज सुबह धर्म शिक्षा चैनल पर देख पाएं। मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये राशिफल पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हों तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं, इससे पहले आइए जानते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पे ही पूरा का पूरा राशिफल निर्भर करता है। आज शुक्र वृष राशि में, राहु सूर्य दोनों एक साथ मिथुन राशि में, मंगल बुध के साथ कर्क राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शनि केतु के साथ धनु राशि में, चंद्रमा आज मीन राशि में है। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिला जुला हाल आज के राशिफल में हम जानेंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको नजदीकी दोस्तों और प्रेमीजनों से मदद मिल सकती है। किसी बुजुर्ग की अगर सलाह लेंगे तो आपके समस्या का समाधान भी हो सकता है। आज आपको आपकी उत्सुकता कई नई चीज़ें भी सिखा सकती है। आज आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आत्मविश्वास से आज परिपूर्ण रहेंगे, परंतु आय में कमी और खर्च में अधिकता से चिंतित भी रहेंगे। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आज व्यापार करने वाले जातकों के आय में कमी आ सकती है। व्यापारी जन अपने फैसले जल्दबाजी में ना लें, आपकी खर्च भी आज बढ़ेगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगेगा और उनको सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको आज थकान हो सकती है, नींद में भी कमी आ सकती है, पुराने रोग आपको आज परेशान कर सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ सकती है। प्रेमियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, अनुकूल नतीजे मिलने के योग बन रहे हैं। अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आज के दिन अगर खीरा खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है नारंगी रंग। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज जीवन का कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। अगर जरूरी हो तो कुछ लोगों से सलाह करके ही बड़ा फैसला लें। कामकाज में आपको आज सफलता मिलेगी, कोई पुराना दोस्त आपको आज मिल सकता है। आपके संतान को कष्ट भी हो सकता है तो उसका ध्यान रखें। किसी मित्र से आपकी अनबन हो सकती है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण भी रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग आज बन सकते हैं। भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। बात करें व्यापार और धन की, तो किसी प्रियजन की मदद से आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। माता पिता से भी आर्थिक सहयोग आपको आज मिल सकता है। आज कहीं अगर आप निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे, व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं। कुल मिलाकर आपका आर्थिक पक्ष आज बेहतर रहेगा। बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी आज अपने पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित और निराश रह सकते हैं, लेकिन आपको चिंता और निराशा से निकलकर अपनी पढ़ाई में मेहनत करना होगा, सफलता आपको तभी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो गले या मुंह से संबंधित कुछ परेशानी रह सकती है, तो अपना ध्यान रखें।
प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी आज आपके कई प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी समरसता आपकी बनी रहेगी। आज के दिन अगर चुकंदर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है गुलाबी रंग। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको कुछ फंसे हुए कार्यों को निपटाने में सफलता की प्राप्ति होगी। आज आपके लिए अच्छा दिन है। बहुत सारे कार्यों को खत्म करने में आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अपने काम को लेकर अगर संकोच में नहीं रहेंगे तो आपको फायदा होगा। आपको अपना प्रभाव जमाने के लिए आज कहीं पर झूठ भी बोलना पड़ सकता है। साथ ही आज आप अपने बच्चे की पढ़ाई में रुचि भी ले सकते हैं। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आज कहीं भी धन निवेश करने से बचें, आपको हानि हो सकती है। आज आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। लापरवाही और संकोच में ना पड़ें, इससे आपको आपके करियर में हानि होगी। अपने व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा भी होगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। मेहनत ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है। मेहनत करेंगे तो सफलता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको सिर में दर्द रह सकता है, साथ ही कफ का सामना भी करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठंडी चीज़ें खाने से आज बचें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अविवाहित लोगों को भी प्रेम संबंध में सफलता मिलने के योग आज बन रहे हैं। प्यार के इजहार के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन अगर गेहूं से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है लाल रंग। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा आज पांचवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप निजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव के संकेत आपको मिल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में आपको अपने व्यवहार को अच्छा करने की जरूरत है। अचानक कहीं यात्रा पर जाने के योग भी बन सकते हैं। कामकाज में आपको सफलता मिल सकती है। ऑफिस में या फील्ड में आपको ज़्यादा समय आज देना पड़ सकता है। आज कुछ नकारात्मक सोच भी आ सकती है, तो नकारात्मक सोच से बचें, इससे आपके काम बाधित हो सकते हैं। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो भौतिक सुख सुविधा वाली चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में मुनाफा होगा, साथ ही नौकरी के लिए भी अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। अपने व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को आज ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आज उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं, लेकिन भोजन संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो वो खत्म होंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जीवन साथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से वाद विवाद में ना पड़े, लड़ाई झगड़े भी आपके हो सकते हैं। आज के दिन अगर जौ से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है केसरिया रंग। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज अगर आप कोई कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरों की मदद करेंगे तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में नई शुरुआत भी हो सकती है। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य करने के योग भी बन सकते हैं। परिवार में सुख सुविधाओं का विस्तार भी हो सकता है। संतान के तरफ से थोड़ी चिंता आपको आज रह सकती है, खास करके संतान की गतिविधियों से। किसी से आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति ना आने दें, विवादों से आज बचें। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में आज नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जान लें आज का शुभ समय क्या है। शुभ समय में ही नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। निवेश करने में आप आज अचानक से फैसले भी ले सकते हैं। पैसे के लेन देन में आपको किसी के झूठ के कारण आज नुकसान भी हो सकता है। कोई अटका हुआ धन आपको आज प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक यात्रा के योग आपके लिए बन सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मेहनत करें, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी आपके भावनाओं का आज सम्मान भी करेंगे। आज के दिन अगर जीरा खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है गोल्डन रंग। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि में चंद्रमा आज सातवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप घर परिवार की स्थिति में सुधार लाने के आपके विचारों को आज समर्थन भी मिल सकता है। आपके रोजमर्रा के काम भी पूरे हो सकते हैं। तनाव से बाहर निकलने में आपको मदद मिल सकती है। आज आप दूसरों की मदद करेंगे, कुछ पुराने मामले आपके आज सुलझ सकते हैं। कुछ लोग आपकी भावनाओं से आज खेल भी सकते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। संतान के सुख में भी वृद्धि होगी।
मित्रों का सहयोग आपको आज मिलेगा। बिना वजह वाले विवादों से बचें। दिन भर में आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व आज बना रहेगा। दिन भर खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज कहीं अच्छा रहने वाला है, कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो पुराने रोग आज खत्म हो सकते हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। दाएं हाथ या शरीर के किसी भी दाएं अंग में आज चोट लग सकती है, तो संभल कर रहें। प्रेम संबंध की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा, घर में खुशी का माहौल भी रहेगा। आज के दिन अगर ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है नीला रंग। बात करेंगे तुला राशि की, तुला राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी सामाजिक महत्व के कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आज किसी अनचाहे व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है आपकी, जिसके कारण आपका मूड भी खराब रह सकता है। खान पान में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। आपको सलाह दी जाती है कि आज किसी मामले को हल्के में ना लें। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और लोग आपसे खुश रहेंगे। व्यापार और धन की बात करें तो नौकरी और कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, खर्च भी आपका बढ़ेगा। बिजनेस पार्टनर की मदद से व्यापार में भी आपको लाभ होगा। मकान या भूमि संबंधित कार्यों में थोड़ी चिंता आपकी आज रह सकती है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा रह सकता है। ज़्यादा मेहनत का आपको कम फल भी मिल सकता है, फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज के दिन थकान और आलस्य से परेशान रह सकते हैं, अपने आप को कम समय दे पाएंगे। अपने माता के स्वास्थ्य का भी आपको आज ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम प्रस्ताव आपके आज विफल हो सकते हैं, विवाद होने की भी संभावना है, तो प्यार के इजहार करने से आज बचें। आज के दिन अगर खीरा खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। के लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है सभी प्रकार के चमकीले रंग। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज नौवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी योजना सफल हो सकती है। दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, आप आज अपना काम पूरी एकाग्रता के साथ कर पाएंगे। दोस्तों के तरफ से भी कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, संतान से सुख भी मिलेगा। पारिवारिक मामले में थोड़ी उलझन भी आपकी आज बढ़ सकती है, धैर्य में भी कमी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति में सुधार भी होगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार और निवेश में धन आने की संभावना है, तो सलाह विचार करके ही कुछ कार्य करें। अचानक धन लाभ की संभावना भी बन रही है, साथ ही आपके खर्च भी आज बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो आज विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको आसानी भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंध की बात करें तो अविवाहित लोगों को प्रेम संबंध में सचेत रहने की आज जरूरत है। आपके प्रेम संबंध आज उजागर हो सकते हैं, साथ ही आपके पार्टनर का मूड भी खराब रह सकता है। जीवन साथी से आज नोकझोंक की संभावना भी बन रही है। आज के दिन अगर अंगूर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है नारंगी रंग। बात करेंगे धनुराशि की, धनुराशि में चंद्रमा आज दसवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज किसी पर ज़्यादा भरोसा करने से बचें। कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके आत्मविश्वास में भी आज बढ़ोतरी होगी। मकान जमीन जायदाद से संबंधित मामले आपके आज सुलझ सकते हैं। नए लोगों से भी दोस्ती हो सकती है। आज आपकी बोली गई बातों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। कहीं घूमने फिरने के योग आपके लिए बन सकते हैं आज। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आज व्यापार में परिवर्तन की संभावना बन सकती है। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो लोगों की सलाह निश्चित तौर पर लें, खास करके ऐसे लोग की जो अनुभवी हों। खर्च में आपकी बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आपको चिंता भी रह सकती है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों की रुचि आज पढ़ाई में बढ़ेगी, साथ ही इसके परिणाम भी अच्छे होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो सिर और पेट संबंधी कुछ परेशानी आपको रह सकती है। अपने भोजन का ध्यान रखें, कोई पुरानी बीमारी आपको आज परेशान कर सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के प्रति सकारात्मक विचार रखें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। साथ ही आने वाले दिनों के महत्वपूर्ण कामों की योजना उनके साथ शेयर जरूर करें, इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के दिन अगर दही खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है फालसई रंग। बात करेंगे मकर राशि की, मकर राशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप परिवार की कलह सुधारने में आपको आज सफलता मिलेगी।
पुराने विवाद और परेशानियां आज खत्म हो सकती है। सोचे हुए काम भी आपके पूरे होंगे, किस्मत का भी साथ मिलेगा आपको। कुछ लोगों के साथ आपके मनमुटाव भी हो सकते हैं जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। आज अपने वाहन को सावधानीपूर्वक और नियंत्रण में चलाएं। दुर्घटना के योग बन रहे हैं तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आज व्यापार के मामले में कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें, आज आपके ज़्यादातर शौक भी पूरे होंगे। खरीदारी के योग आपके लिए बन रहे हैं जिसके कारण आपका खर्च भी बढ़ेगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों की मेहनत आज सफल रहेगी, तो मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, थकान और आलस भी बना रहेगा, मन में थोड़ी चिड़चिड़ापन भी रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी से कोई उपहार आपको मिल सकता है, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, पति पत्नी के बीच अच्छी समझ भी बनी रहेगी। आज के दिन अगर सेब खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है नीला रंग। बात करेंगे कुंभ राशि की, कुंभ राशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपका मन सामाजिक कार्यों में लगा रहेगा, परिवारजनों का स्नेह आप पर बना रहेगा, लंबी यात्रा के योग भी आपके लिए बन सकते हैं और यात्रा आपकी शुभ रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, रुके हुए और फंसे हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। वाणी पर भी अपनी नियंत्रण रखें, ज़्यादा आत्मविश्वास में भी ना पड़ें, इससे काम आपके बिगड़ सकते हैं। आज आपको अपनी बात किसी से शेयर करने का भी मन करेगा, लेकिन बातें शेयर करने के लिए व्यक्ति का चुनाव सोच समझ कर करें। व्यापार और धन की बात करें तो पैसे कमाने के नए मौके आपको मिलेंगे, साथ ही खर्च की अधिकता भी रहेगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी बरतें, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो अपने जीवन साथी का रवैया आपको परेशान कर सकता है, शादीशुदा लोगों को आज सावधान रहने की जरूरत है। आज के दिन अगर दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है लाल रंग। बात करेंगे मीन राशि की, मीन राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको आपके भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। काम धंधा बढ़ाने के लिए जो भी मेहनत आपने पिछले दिनों में किया है उसका फल आपको आज मिलेगा। आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं, अपने आक्रामक रवैये की वजह से आप परेशान भी रह सकते हैं। आज किसी से कर्ज बिल्कुल ना लें, नौकरी करने वाले जातकों के सीनियर अधिकारियों से संबंध आज बिगड़ सकते हैं, तो इसमें सावधानी बरतें। व्यापार और धन की बात करें तो आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज कहीं निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध भी हो सकता है, तो निवेश सोच समझ कर करें। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग बन रहे हैं, मेहनत में किसी प्रकार की कमी न रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको गैस और एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने भोजन पर ध्यान दें और परहेज भी करें। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी से सम्मान आपको मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहेगा, और अविवाहित प्रेमियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन अगर ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है गहरा लाल रंग। तो मित्रों ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि गुलिक काल रहेगा सुबह के, माफ कीजिएगा, दिन के 12:23 से लेकर दोपहर के 2:08 तक। इस समय में कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहेगा दोपहर के 3:53 से लेकर शाम के 5:37 तक। इस समय में कुछ भी नया कार्य करने से बचें, असफलता हाथ लग सकती है। दिशाशूल रहेगा आज उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा आज ना करें। शुभ खाद्य आज का रहेगा गुड़ खाकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनेंगे। मित्रों अब जान लेते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। मित्रों आज दिन है मंगलवार का, और मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का दिन। मंगलवार के दिन शाम के समय किसी हनुमान मंदिर में जाएं और सरसों के तेल का एक और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें एक बार, ये हनुमान जी की कृपा पाने का एक अचूक उपाय है। तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ, और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।